अपनी अध्यापिका को बताइए, वहाँ से मैं सोल होती है तो अपने घर बताइए, मम्मी पापा दीदी भाई उनको बताइए, वहाँ से भी अगर नहीं सोल होती है तो आप हमारे थाने में आइए। हमारे थाने में महिला हेल्प है, 24 घंटे आप ही के लिए है। आपकी समस्या हम 99% सोल्व कर देंगे, और अगर आप वहाँ पे नहीं पहुँच पाती है तो आप 10.90 का यूज करिए। अगर आप 10.90 का यूज करेंगी तो आपकी समस्या महिला ही सुनेगी, वहाँ पर महिला अधिकारी होगी, आपकी समस्या सुनेगी और 24 घंटे के अंदर आपकी समस्या का समाधान करेगी। इतनी बातें नहीं बता पाती, तो कुछ नंबर है जो निःशुल्क है, उनका कोई चार्ज नहीं है, वो आप सभी के लर्न होने चाहिए और आपके नोटबुक के फ्रंट पेज पे होने चाहिए, और जहाँ भी आपको जरूरत लगे आपको उनको यूज करना चाहिए। जैसे नंबर है, पहले 100 नंबर था, अब वो चेंज हो गया 112 नंबर हो गया। आपातकालीन सेवा, पुलिस आपातकालीन सेवा, आपको लगे आप यहाँ से घर पे जा रहे हो, आपको लगे पुलिस की जरूरत है, या फिर आपके साथ कोई दुर्घटना होने वाली हो, आपको ऐसा अंदेशा पहले से महसूस हो रहा है, तो आप 112 पे फोन कर सकते हो। 112 पे आप फोन करेंगे तो नजदीकी जो पुलिस जो PVRP होगी वो तो आपको सहायता देगी। एक नंबर है 102, वो स्वास्थ्य संबंधित है। आपके पास पड़ोस में कोई महिला गर्भवती है और उसकी घर की स्थिति अच्छी नहीं है, पैसा नहीं है उनके घर में, और कोई बड़ा भी घर में नहीं है, तो आप उनकी सहायता कर सकती है 102 पे फोन करके। एक नंबर है 108, वो भी एम्बुलेंस सेवा है। आपको लगा आप यहाँ से पैदल जाती हो, तो आपने देखा रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है, कोई बड़ा नहीं है और आपको सहायता करनी है उसकी, तो आप क्या करेंगे 108 पे फोन कर सकते हैं। एक नंबर है 1090, वो आपकी सहायता के लिए है, स्पेशल महिलाओं के लिए। 1090 और 181, अगर आप 1090 पे फोन करेंगी तो क्या होगा, मानो आपके साथ घर पे पास पड़ोस में कहीं पे कोई घटना हो गई है, आपसे किसी ने मतलब आपको कोई घूरता है, आप यहाँ से घर जाती हैं, घर से यहाँ पे आती है, अपने पेन से लिखते जाओ।